मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8 क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं हिंदी सेकंड का, वो है कोष्ठक में दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अपराजिता की शिकार थी, किस चीज़ की? विकलांग, मतलब विकलांगता की शिकार थी। आचार्य ब्रज किशोर जी का देखकर मैं हैरान रह गई, कौन? पंडित, पंडित है। ठीक है, मतलब उनकी जो पंडित कैटेगरी में क्वालिटी थी, जो नॉलेज थी, उसे देख करके, पंडित्य क्वालिटी को देखकर हैरान रह गई। गांधी जी के में राष्ट्रीयता का आंदोलन जोर पकड़ने लगा, नेता मतलब नेतृत्व, गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीयता का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। सब सोमा की पर मुस्कुराने लगे, किस चीज़ पर? मूर्ख से क्या बनेगा? मूर्खता, मूर्ख का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मूर्खता। बकरी एक पशु है, कैसे? दूध का क्या हो जाएगा? दुधारू। छिपकली को देखते ही मैंने शुरू कर दिया क्या? चीख, चीख का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? चीखना शुरू कर दिया। सही उत्तर के सामने राइट चिन्ह तथा गलत उत्तर के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। हवा, मिठास, हरियाली आदि अगणनीय संख्याएं हैं। अगणनीय मतलब जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। हवा को नहीं गिन सकते, मिठास को नहीं गिन सकते, हरियाली को नहीं गिन सकते, राइट। भीड़, सभा, कक्षा, समूह वाचक संज्ञा के उदाहरण है। भीड़ है वो भी ग्रुप है, सभा है वो भी ग्रुप है, कक्षा है वो भी ग्रुप है, राइट। घर, नदी, स्कूल गणनीय संख्याएं। घर को गिना जा सकता है, नदियों को गिना जा सकता है, स्कूलों को गिना जा सकता है, राइट। झुंझलाहट, बेचैनी, कड़वाहट जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, गलत। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को गिना जा सकता है, नापा तोला जा सकता है, सही। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। स्व, स्वभाव, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, नारी, नारित्व, शिशु, शैशव, तरुण, तरुणाई, तपस्वी, तप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों तथा उनसे बनी भाववाचक संज्ञाएं जो सही हैं उन पर गोला लगाइए। प्रभु, प्रभुत्व, सज्जन, सज्जनता, पिता, पितृत्व, मजदूर, मजदूरी, चढ़ना, चढ़ाई, घर, घरेलू, पंडित, पंडित्य, स्त्री, स्त्रीत्व, तपस्वी, तप। ओके, नेक्स्ट इज, दिए गए रिक्त स्थानों पर 12 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखिए। बच्चपन, दानवता, इंसानियत, नारित्व, ठगी, तप, चोरी, मनुष्यता, वकालत, मित्रता, शत्रुता, वीरता। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर उनके भेद लिखिए। ताजमहल आगरा में स्थित है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पेड़ पर बंदर फल खा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम का घोड़ा दौड़ रहा है, जातिवाचक संज्ञा। उसकी बहन रीमा खेल रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुढ़ापे में शरीर दुर्बल हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। पार्क में चारों ओर हरियाली है, जातिवाचक संज्ञा। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से इसे नोट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।